मिस एशिया अवार्ड 2017 की विजेता आकांक्षा सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड की लड़कियों के लिए ग्रूमिंग स्कूल खोलने की घोषणा की। इस मौके पर आकांक्षा ने जानकारी देते हुए कहा कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आईएएस अधिकारी राधिका झा को इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए निर्देशित किया है। आकांक्षा ने बताया कि हाल ही में सीएम निवास में आयोजित एक सम्मान समारोह के दौरान ये बातचीत सीएम रावत से हुई थी। जब भी मेरी सीएम हमारे रिस्पेक्टेड सीएम सर से मुलाकात हुई थी, तब मैंने उनको अपने राय अपनी इच्छा जाहिर की थी, तो उन्होंने इसी संबोधन में मुझे कहा था कि मैं राधिका झा जी से मिलूं और उनसे अपनी स्कीम पूरी तरीके से बताऊं और फिर हम इसको कैसे एग्जीक्यूट प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं, तो हम देखते हैं कि इस साल के अंत तक मैं ये सब कर पाऊं। अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि दबंग 3 में एक आइटम नंबर के लिए वो अरबाज खान प्रोडक्शन से बातचीत कर रही हैं। आकांक्षा ने अजितेश शर्मा के साथ एक इंटरनेशनल फोटोशूट भी किया है, जो कि कई फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित होगा। मेरे काम के बारे में बात की जाए तो मैं अभी इंटरनेशनल एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी कर चुकी हूँ, जो कि कांस फिल्म फेस्टिवल में इन विंटर्स में दिखाई जाएगी। रही अपने बॉलीवुड की बात, तो मैंने यशराज की ऑलरेडी एक वेब सीरीज़ की है जिसका नाम है मैंस वर्ल्ड, और अरबाज खान प्रोडक्शन से भी मेरी बात चल रही है, तो फिर दबंग 3 में आप शायद मुझे देख पाएंगे एक आइटम नंबर करते हुए। हाल ही में कास्टिंग काउच पर हुए विवाद पर टिप्पणी करते हुए आकांक्षा ने कहा कि उन्हें कभी भी कास्टिंग काउच का सामना नहीं करना पड़ा। कास्टिंग काउच का प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुभवों के अनुसार टिप्पणी करता है। मैं मुंबई में करीबन 2-3 साल से हूँ, मेरे सामने ऐसा कोई भी वाक्य नहीं आया है कि मुझे कास्टिंग काउच का सामना करना पड़े। बहुत प्रोफेशनल है हमारी इंडस्ट्री, आप में टैलेंट है, वक्त लगेगा लेकिन आप कामयाबी तक पहुँचेंगे ज़रूर। देखिए, ये जो राय होती है ये बहुत ही व्यक्तिगत राय होती है, किसी के सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री बहुत प्रोफेशनल और पेशेवर है। आकांक्षा ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि अन्य राज्यों और शहरों की अपेक्षा उत्तराखंड में लड़कियां ज्यादा सुरक्षित हैं। सभी अभिभावकों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि हमें लड़कियों को बेसिक शिक्षा के साथ साथ सेल्फ डिफेंस अवश्य सिखाना चाहिए। उत्तराखंड के युवाओं और युवतियों में भरपूर टैलेंट है, जो कि आज टेलीविजन जगत और फिल्म इंडस्ट्री में देखने को मिलता है। मेरे उत्तराखंड में मुझे लगता है बेटियां बहुत ज्यादा सेफ है। मेरा उत्तराखंड बहुत ही शांत तरीके का शहर है, तो मैंने जैसे कि शुरू में कहा कि हमारे उत्तराखंड से इतनी ज़्यादा टैलेंट जाता है हमारी इंडस्ट्री में, और भी इंडस्ट्री में क्यों जाता है, क्योंकि यहाँ पे लिटरेसी है, यहाँ पे अवेयरनेस है, यहाँ पे वो एक कॉन्फिडेंस है लोगों में, चाहे वो लड़का हो या लड़कियाँ हो। तो मुझे लगता है अपना उत्तराखंड सच में गाँव से बहुत 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 ऊँचा है, लेकिन फिर भी एजुकेशन का तो हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, वो तो हमेशा नंबर वन प्रायोरिटी रहेगा ही। संवाद 365 के लिए देहरादून से कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ अनुराग सक्सेना की रिपोर्ट।